वाह, शेर भी हाजिर करता हूं। इरशाद, हमें कहीं का तो हकदार कर दिया जाए, बची है एक ही सूरत शजर बचाने की, बची है एक ही सूरत शजर बचाने की। क्या कहना, हर एक शाख को तलवार कर दिया, हर एक शाख को तलवार कर दिया जाए। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया भाई। और ये आखिरी शेर भी सुनिए इरशाद। मनोज भाई कतौर खास, ये शेर मैं आपको अता कीजिए। आपकी आवाज जहां तक पहुंच सकती है वहां शायद आम आदमी की नहीं पहुंच सकती, तो मैं आपके हवाले से ये शेर वहां तक पहुंचाता हूँ, सुनिए। इरशाद, हमें कहीं का तो हकदार कर दिया जाए, सरों पे आ गए अब सर उतारने वाले, सरों पे आ गए अब सर उतारने वाले, अमीर शहर को होशियार कर दिया। ये गजल के चंद शेर उनसे और सुनते हैं। मैं गुजारिश करता हूँ, हमारे मेहमान इम्तियाज जनाब मनोज पारस साहब और जनाब रफीक अंसारी साहब एमएलए मेरठ और सदर अली मकान है, दोनों का हुक्म है, ये गजल के चंद शेर सुनिए। मैं ये जो पक्षी आई इनके लिए आज के लिए माफी चाहता हूँ, ये गजलें आपको मिल जाएंगी कहीं से। मुझे जिस गजल के लिए भाई ने हुक्म दिया, सबने हुक्म दिया, वो गजल सुन ली, शायद आप तक सब लोगों तक नहीं पहुंची होगी, मतलब बतौर खास आप तक पहुंचाता हूं। मतलब सुनिए कि जिंदगी में एक गम ऐसा है जो हमें कभी ना कभी सहना पड़ता है, हमें कभी ना कभी किसी ना किसी से जुदा होना पड़ेगा, तो मतलब उसी के पस मंजर में आप तक पहुंचाता हूं। सुनिए, इकबाल भाई, अजम भाई, नदीम फरुख साहब, खुर्शीद भाई, फकरी साहब, अल्ताफ भाई, तमाम लोग तशरीफ रखते हैं, फारूक बिजनौरी साहब, तमाम लोग बैठे हुए हैं, इनको भी शरीक करता हूं और आपको भी शरीक करता हूं। सुन लो, मतलब हाजिर करता हूं। तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस एक जान से अलग हो गए, तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस एक जान से अलग हो गए, तुमसे